अलीशा अंसारी। अच्छा, अलीशा अंसारी जी, कल जो है दुपट्टे को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है आप ही के स्कूल का, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? सर ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही दुपट्टा बांध के आ रहे हैं, अभी मेरे से दो तीन लड़की है मेरे नहीं से लड़ने आएंगे? भी गई थी आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना? सर। अगर हिजाब में आएंगे ना तो पूरे हिजाब में आएंगे, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए फिर इनको, ये चेहरा जो है ना पूरा हिजाब ही उड़ाएंगे फिर हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर में तेजी से कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कुछ छात्राएं थी जो मुस्लिम समुदाय से थी, उनका कहना था, उनसे कुछ व्यक्ति पूछताछ कर रहे थे और वो ड्रेस में थी और हिजाब में थी शायद। कुछ प्रधानाचार्य कक्ष के हम ठीक सामने खड़े हैं, छात्राएं भी छात्र भी यहीं पर खड़े हुए हैं और प्रयास करेंगे इनसे भी पूछने का, लेकिन उससे पहले आप के लिए ये वीडियो जो वायरल हुआ था ये देखना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, विद्यालय के जो छात्र व छात्राएं हैं उनसे भी हम पूछताछ करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्या माहौल है यहाँ का और क्या इस तरह का क्रियाकलाप किया जाता है और शिक्षकों द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है। बेटा, क्या नाम है आपको? अलीशा अंसारी, अच्छा, अलीशा अंसारी जी, कहाँ कहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं? आप महुआ में? अच्छा, जनता विद्यालय का नाम क्या है अलीशा जी? इंटर कॉलेज महुआ जिला बिजनौर। अच्छा, तो कल जो है दुपट्टे को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है आप ही के स्कूल का, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? सर ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही दुपट्टा बांध के आ रहे हैं, अभी मेरे से दो तीन लड़की है मेरे से लड़ने भी गई थी। अच्छा, आपसे लड़ने के यस लिए गए, सर, अभी मेरे इसलिए? से जी एक इसलिए कि मैंने उनको उल्टा सीधा बोला है, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप, तो जी कि मैंने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला है, इसलिए मेरे से लड़ने गई है अच्छा क्लास में। अच्छा तो वो किस लिए, मतलब आपने जो दुपट्टा है उसी हिसाब से डाला है जैसे विद्यालय में डालना? बोला है ना कि वे टॉप पहनती हैं, तो वो ये बोले कि हम ऐसे टॉप कब पहनते हैं। अच्छा जी अच्छा तो जो हिजाब में आने के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम हिजाब में ही आएंगे, आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना? सर, अगर हिजाब में आएंगे ना तो पूरे हिजाब में आएंगे, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए फिर इनको, ये चेहरा जो है ना पूरा हिजाब ही उड़ाएंगे फिर हम। ये बोल रहे हैं कि मतलब मैं मुस्लिम लड़कियों के, मतलब मैं इनके धर्म को नीचे गिरा रही हूँ। अच्छा, जी नहीं विद्यालय में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, इस तरह का भेदभाव होना चाहिए? अच्छा, नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है अरुज जी, आप कहाँ के हो? फरीदपुरुल्ला। अच्छा, आपको क्या लगता है इस विषय में, जो विद्यालय के आपके अध्यापक हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहता है। कल एक वीडियो वायरल कर दिया कुछ लोगों ने, उसमें कहा गया कि जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उस विषय में तुम क्या कहना चाहोगे? सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। यस सर। अच्छा, तो अरे ये जी ये जो लड़कियां हिजाब और क्या इतने, सर ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्कूल में ऐसे नहीं आना। अगर इनको ऐसा करना है तो फिर मदरसे में भी जाके पढ़ लेंगी, मदरसा भी स्कूल है, इस्लाम है। अच्छा, नहीं विद्यालय में तो हिंदू मुस्लिम सब कुछ ऐसा होना ही नहीं सर चाहिए, एकता से रहना चाहिए और ड्रेस इसी चीज के लिए होती है कि पता न चले कौन हिंदू कौन मुस्लिम क्या चीज है ना। यस सर। तो हमने आपकी छात्राओं से बात कराई, तो इन छात्राओं का तो कुछ और ही कहना है, तो वो जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं? सर ठीक है, तो उनकी भी वीडियो आपको जो कल वायरल हुई थी वो हमने आपको दिखा दी है, लेकिन ये भी प्रयास करेंगे कि अब भी उनसे बात हो जाए वो क्या चाहते हैं। धन्यवाद। तुम जो स्कूल टाइम में यहाँ हो तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है, क्यों, मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में कॉलेज में, हिजाब की वजह से? क्या कहा, किसने कहा, क्या कहा, गले में पट्टी डाल के आनी है? नहीं हैं, दो छोटी करके और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है, सर पर दुपट्टा नहीं रखना है? अच्छा, कितनी बच्चियाँ हैं? और ये कह दिया अगर ऐसा होगी तो कल को स्कूल नहीं आना है? अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से, प्रेयर में शामिल रहे तुम? अच्छा, तो अब क्या इरादा है? गार्जियन को अकड़ा, गार्जियन भी आवेंगे, अभी जा रहे हैं सब गार्जियन भी। इंटर कॉलेज के सामने तुम्हारा होना चाहिए। से मुझे कल संज्ञान में आया है कि कहीं कोई फुटेज एक ऐसी वायरल कर दी है या शासन के संज्ञान में लाए हैं कि कहीं बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सब हमारे बच्चे हैं और बच्चों को जो विद्यालय में समान पहनावा है उसके पहनावे के अनुसार आने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो ऐसी शासन की और सबकी अपेक्षाएं हैं और जैसा गार्जियन चाहेंगे, क्योंकि ये पहनावा भी समान गार्जियन की अपेक्षा के अनुरूप होगा, गार्जियन का सहयोग होगा तो आएंगे बच्चे। अगर गार्जियन ही नहीं चाहते तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनका कहीं कोई विशेष मैटर है तो। इसी आधार पर हमने कहा था कि
कि सारे बच्चे एक पहनावे में आए, तो कुछ गार्जियन को आपत्ति थी, वो गार्जियन मुझसे मिले थे, और जब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जैसे हम भेज रहे हैं वैसे आएंगे, तो मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, और गार्जियन से कल बात हुई थी और वो चले गए सहमत होकर। और अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ छात्राओं का जी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने प्रिंसिपल साहब ने हमें ये कहा है कि आप जाइएगा और अपने परिजनों को बुलाकर लाइएगा, हिजाब पहन के क्यों आए हो आप पढ़ने? हाँ, हिजाब के बारे में मैं नहीं समझता कि हिजाब क्या होता है, तो मैं तो जानता भी नहीं हिजाब क्या होता है। चूंकि बच्चे वो एक डिफरेंट तरीके से थे, तो सारे बच्चों में अगर दो चार बच्चे अगर डिफरेंट तरीके से हों तो उन पर ध्यान अक्सर बाहर वालों किसी का भी जाता है, तो उन बच्चों के लिए कहा गया था कि आप अगले दिन जब आए तो गार्जियन से बता दीजिए कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो उससे मैं अगले दिन ये कहता बच्चों से, उनके गार्जियन से, कि सारे बच्चे सिमिलर ड्रेस में अगर आपके आ सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा बच्चों के लिए भी। तो अगले दिन गार्जियन आए, बात हुई उनसे, तो उन्होंने जब कहा कि हमारे बच्चे इसी तरीके से आएंगे जैसे हम भेज रहे हैं, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी उस पर ना, और आज भी कोई आपत्ति नहीं है, सहमत हूँ। यदि गार्जियन ही चाहते हैं तो ये माहौल, हाँ, जैसा वो चाहते हैं कि इस तरीके से आएंगे, और अगर वो अडिग हैं तो वो अडिग रह सकते हैं, मेरी अडिगता का कुछ नहीं है। और क्योंकि ये यहाँ अनुशासन विद्यालय में गार्जियन और शिक्षकों के सहयोग से ही होता है, वो जैसे चाहते हैं अपने बच्चों को भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और कल इस संबंध में उनसे गार्जियन से बात हुई थी और वो सब सहमत होकर चले गए थे। कहीं बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे हमारे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बच्चे जैसे आए, हम तो ये चाहते हैं बच्चे अनुशासन में रहें।